नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। आज हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सबसे खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है। राजस्थान स्टेट लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की भूमि राजा महाराजाओं की भूमि होने के साथ साथ बहुत ही लोकप्रिय और ऐतिहासिक स्थानों में माना जाता है। राजस्थान में कई प्राचीन किले, स्मारक, प्रसिद्ध भवन हैं। राजस्थान अपनी रंगीन संस्कृति, खूबसूरत पहनावा, दिलचस्प कलाकृति और राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजनों के लिए दुनिया भर में फेमस है। राजस्थान में विशाल थार रेगिस्तान स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया के सबसे बड़े और वाइल्डेस्ट डिजर्ट्स में से 18वें नंबर पर आता है। यदि आप राजस्थान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, पहनावा, भाषा, त्योहार सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास आज से लगभग 5,000 साल पुराना माना जाता है। राजस्थान के इतिहास में प्रमुख स्रोत में कई महान राजपूत शासक जैसे कि बापा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे राजा थे। राजस्थान का इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्राचीन इतिहास में राजस्थान को राजपूतों का साम्राज्य माना जाता था। प्राचीन राजस्थान मौर्य साम्राज्य के अधीन था। 1000 से 1200 ईसा पूर्व के बीच राजस्थान में चालुक्य, परमार और चौहान वंश का राज था। मध्यकालीन राजस्थान में राजस्थान का सबसे मुख्य और शक्तिशाली राज्य मेवाड़ था। सन 1707 के बाद मुगल शक्तियां कम होने लगी और उनका प्रभाव भी कम होने लगा था। मुगल साम्राज्य के पतन होते ही मराठा साम्राज्य ने राजस्थान पर अपना कब्जा कर लिया। सन 1755 में उन्होंने अजमेर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 19वीं शताब्दी शुरू होते ही ये राज्य पिंडारियों के हमले का शिकार हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी। अब जानते हैं राजस्थान के बारे में रोचक तथ्य। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है और ये समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की एकमात्र लवणीय नदी लूनी नदी राजस्थान में बहती है। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान राज्य में 33 जिले हैं। राजस्थान में लोगों से ज्यादा ऊंट और हाथियों की संख्या देखने को मिलती है। लोकप्रिय फिल्म कलाकार इरफान खान का जन्म जयपुर में 7 जून 1967 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जो कि सन 1727 में महाराजा जयसिंह द्वारा स्थापित की गई थी। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का पेरिस भी राजस्थान की राजधानी जयपुर को ही कहा जाता है। राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6,79,00,000 के आसपास है और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का है। अब जानते हैं राजस्थान की संस्कृति के बारे में। राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान राज्य अपनी पारंपरिक और रंगीन कला के लिए जाना जाता है। राजस्थान की संस्कृति समृद्ध लोक संस्कृति है, जिसे अक्सर राज्य का प्रतीक भी माना जाता है। राजस्थान की संस्कृति में विभिन्न समुदायों और शासकों का योगदान शामिल है। यहाँ की संस्कृति में यहाँ की खेती और लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब जानते हैं राजस्थान के पहनावे के बारे में। राजस्थान में कई समाज के लोग निवास करते हैं, इसलिए राजस्थान का पहनावा भी अलग अलग होता है। राजस्थान की वेशभूषा का महत्व भी यहाँ की संस्कृति में बहुत अधिक है। राजस्थान का पहनावा कैसा है, ये बात हर कोई जानता है और राजस्थान की वेशभूषा को तो लोग बहुत ही पसंद करते हैं। आमतौर पर राजस्थान के वस्त्रों में औरतें घाघरा कुर्ती पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती, कुर्ता और पैंट पहनते हैं। बिश्नोई समाज की राजस्थानी महिलाओं के कपड़े सभी जातियों से अलग होते हैं। मृत्यु के अवसर पर काले और हरे रंग के वस्त्र यहाँ पर पहने जाते हैं। राजस्थान का नृत्य। राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य घूमर है। घूमर के अलावा राजस्थान में कठपुतली, भोपा, चांग, तेरा ताली, गिंद्र, कच्ची घोरी और तेजाजी नृत्य बहुत ही लोकप्रिय हैं। अब जानते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में।
राजस्थान अपनी कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों द्वारा हाथों से बहुत सारी आकर्षक चीजों का निर्माण किया जाता है। राजस्थानी रंगील कला में ब्लॉक प्रिंट, टाई और डाई प्रिंट, बगरू प्रिंट, संगनेर प्रिंट और जरी कढ़ाई प्रमुख उत्पाद के रूप में राजस्थान में निर्यात की जाती है। राजस्थानी कपड़ों में मुख्य रूप से कांच और कपास का उपयोग किया जाता है। हस्तशिल्प वस्तुएं जैसे कि लकड़ी के फर्नीचर और शिल्प, कारपेट और मिट्टी के बर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपको राजस्थान के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइए कि आपको राजस्थान का कौन सा व्यंजन सबसे ज्यादा पसंद है। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।